मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैंने पहले वीडियो में आपको प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित दिशा निर्देश दिए थे और आज मेरा इस वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य प्राकल्य कार्य के बारे में बताऊंगी। हिंदी इस प्रकार हमको दो पेज जो लेने हैं लास्ट वाले, उनमें पहले वाले पृष्ठ के ऊपर पहले वाले साइड पर हिंदी प्राकल्य साहित्य प्राकल्य कार्य हम लिखेंगे। इसको आप अपने तरीके से जैसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह सुंदर सा ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसमें हम शीर्षक हमारा क्या होगा, अतिथि देवो भव। ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क का ये हमारा पार्ट है। चारों ओर डेकोरेशन करना है, बॉर्डर बनाएंगे चारों तरफ। इस जगह पे हम फोटो शीर्षक से के संबंधी शीर्षक से संबंधित फ़ोटो का संबंधित चित्र की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये दूसरा साइड है, इसमें हम चारों तरफ बॉर्डर डेकोरेट करेंगे बॉर्डर से, और आप कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हो जिस भी तरह से आपकी इच्छा हो। लेखक परिचय, जो इसके लेखक हैं उनका यहाँ पर हम चित्र लगाएंगे। लेखक का चित्र लगाकर लेखक के बारे में 8 से 10 लाइनें लिखेंगे। यदि आपके पास बुक में नहीं दिया हुआ है लेखक के बारे में कुछ भी, तो आप उनका नाम गूगल में टाइप करके उसके बारे में 6 से 10 पंक्तियाँ, 8 से 10 पंक्तियाँ आप लिख सकते हो। अब हम ये दूसरे पन्ने के हम दूसरे पन्ने में आए हैं, यानी कि तीसरी साइड। इसको भी हम डेकोरेट करेंगे, ऊपर में इसका पाठ का नाम देंगे अतिथि देवो भव, और पूरा जितनी जो कहानी जो है ये, इसको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे, और कम से कम यहाँ पर 4 से 5 चित्र हम लगाएंगे संबंधित पाठ से। 4 से 5 चित्र लगाएंगे। इस पोर्शन को आप लिखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ आप 2 चित्र लगा सकते हैं। ये आपका 4th साइड आया है, ये 4th साइड यानी लास्ट साइड है। इस पेज पर भी आप लिखेंगे, जो आपने तीसरे पन्ने पर लिखा है उसको कंटिन्यू करना है इस पेज पर, और यहाँ पर भी हम 2 चित्र चिपकाएंगे, 2 से 3 चित्र हम चिपकाएंगे, और यहाँ आपका ये अंत में यहाँ पर इसका इस पार्ट का इस प्रोजेक्ट का अंत होगा। बच्चों, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने समझा तो दिया ही है कैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। ये मेरा ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस प्रकार आपको कलरफुल पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। यहाँ देखिए, ये पहला पेज है, हिंदी प्राकल्य कार्य लिखा हुआ है, विषय लिखिए या शीर्षक लिखिए, यहाँ आप लिखेंगे अतिथि देवो भव। ये हमारा पहला पेज है। अब ये हमारा दूसरा साइड हो जाएगा, लेखक परिचय। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, मैं एग्जांपल के लिए ये प्रोजेक्ट एक आपको दिखा रही हूँ। लेखक का यहाँ पर चित्र लगेगा और उसके बारे में 8-10 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद तीसरी साइड पर हम लिखेंगे अतिथि देवो भव। इससे भी ज़्यादा सुंदर कलरफुल आप कर सकते हो, हर एक में बॉर्डर बना हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं, आप 3 चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 4 आपके चौथे साइड पे भी आप इस तरह 2 चित्र 3 चित्र लगाएंगे, और वो सारे पाठ का संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर हम करेंगे। इस तरह आपको कलरफुल और रचनात्मक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है।